नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में जिला लुधियाना के कस्बा जगराओं में लुधियाना फिरोजपुर जीटी रोड पर बेकाबू फॉर्चूनर डिवाइडर तोड़ सर्विस लाइन पर जा पहुंची। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, 2 लोगों को मामूली चोट लगी है जबकि गाड़ी चालक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक मुंगा से टेस्ट करवा कर वापस आ रहा था। उसकी पहचान नवतेज सिंह के रूप में हुई है। नवतेज सिंह के साथ 2 लोग और मौजूद थे, वह बीमार रहता है जिस वजह से मुंगा से टेस्ट करवा कर वापस आ रहा था कि अचानक किसी तरह उसे अटैक जैसा महसूस हुआ। इससे वह गाड़ी पर से संतुलन खो बैठा। संतुलन बिगड़ने से वह गाड़ी को संभाल ना सका और गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर सर्विस लाइन पर आ गिरी। हादसे में गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। गनीमत रही कि गाड़ी के आगे या पीछे कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों को पहले जगराओं के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, इसके बाद घायलों को लुधियाना के अग्रसेन अस्पताल भेज दिया गया। घायल नवतेज सहोली गांव का रहने वाला है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।